तो भाई हमारे अजय देवगन के जो फैंस हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर आ रही है भैया। दृश्यम देखिए, दृश्यम टू देखिए, अब रेडी हो जाइए दृश्यम थ्री के लिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा एक्चुअली में क्यों बोला जा रहा है वो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताता हूँ। साथ ही इनकी आ रही है शैतान। शैतान के मंच पे इन्होंने क्या कहा और साथ ही साथ जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने दृश्यम थ्री को लेकर क्या कहा, वो इस वीडियो में आप लोगों को जानने को मिलने वाला है। वैसे दोस्तों ये शैतान जो है ना, इससे हमारे अजय देवगन अपनी फैमिली को बचाने वाले, अपने बेटे को बचाने वाले, जो आप लोगों को इस मूवी में दिखने वाला है। और इसी से क्लियर होता है कि किस तरीके से अपनी बेटी को बचाने के लिए उन्होंने क्या करा था दृश्यम और दृश्यम टू के अंदर। वैसे दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि हमारे अजय देवगन इस टाइम काफी ज्यादा बिजी चल रहे हैं, बिजी शेड्यूल चल रहा है उनका, क्योंकि भैया बहुत सारी मूवीज उनकी पाइपलाइन के अंदर है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें धमाल का नाम भी लिया जा रहा है। बट धमाल के कमाल को साइड में करते हैं और बात करते हैं अभी हम सिंघम अगेन की, क्योंकि सिंघम अगेन एक ऐसी मूवी है जिसको लेकर हमारे अजय देवगन जो है वो काफी ज्यादा चर्चित है। जी हाँ दोस्तों, इस पिक्चर में उनका लीड हीरो का किरदार होने वाला है। मूवी के अंदर जबरदस्त जबरदस्त कैमियो दिखने वाले हैं बड़े बड़े अंदाज में। बट अगर हम बात करें इसके अलावा में, तो शैतान इनकी मूवी आने वाली है हाल ही के अंदर। शैतान का ट्रेलर भी आ गया है जिसके अंदर साफ साफ देखा जा सकता है कि हमारे अजय देवगन अपने बेटे को किस तरीके से शैतान से बचा रहे हैं, किस तरीके से अपनी फैमिली को वो एक तरीके से देखा जाए तो सपोर्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ उनको बचा रहे हैं उस शैतान से। जी हाँ दोस्तों, प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपनी फैमिली को। इसी तरह का कुछ हमें दृश्यम में भी देखने को मिला था हाल ही के अंदर, जब उसके ट्रेलर लॉन्च हुआ एक पार्टी एक मंच पर, जब एक साथ सारे कलाकार इकट्ठे हुए, आर माधवन को छोड़कर पूरी की पूरी टीम इकट्ठी हुई, तो उस दौरान मीडिया की तरफ से कुछ सवाल करे गए जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये था कि दृश्यम थ्री कब बनेगी। जी हाँ दोस्तों, और जिसको लेकर क्या कहा गया वो मैं आप लोगों को एक्चुअली बता देता हूँ। तो मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए हमारे अभिषेक पाठक जो प्रोड्यूसर है उन्होंने बोला कि हाल ही के अंदर दृश्यम थ्री को लेकर काफी ज्यादा बस बना हुआ है कि दृश्यम थ्री आनी चाहिए, और जिसको लेकर अभी एक तरीके से कागज पर स्टोरी तैयार करी जा रही है, क्योंकि जिस दिन कागज पर तैयार हो जाएगी दृश्यम थ्री उस दिन फ्लोर पर भी वो आ जाएगी। बट अभी एक स्टोरी पर एक स्क्रिप्ट पर मैं काम कर रहा हूं जो लगभग डन होने वाली है, और 2024 के अंदर ही एक मूवी को डायरेक्ट करने वाला हूं। उन्होंने ये बोला है कि एक मूवी को डायरेक्ट करने वाला हूं जिसको लेकर कंप्लीटली बस बन गया कि भैया वो शायद दृश्यम थ्री होने वाली है, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि एक्चुअली के अंदर दृश्यम थ्री को आने में भी टाइम लगेगा। उन्होंने कहा कागज पे काम चल रहा है, और जिसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि वो एक स्टोरी पर काम कर रहे हैं जिसको लेकर वो मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों इतना तो तय हो गया कि दृश्यम थ्री आने वाली है। वो तय तभी हो गया था जब दृश्यम के सीक्वल का एंड दिखाया गया था, उसी से कंफर्म हो गया था कि दृश्यम थ्री बनने वाली है, थर्ड पार्ट बनने वाला है। वैसे दोस्तों बात करें अजय देवगन साहब की, तो अजय देवगन साहब इस टाइम काफी ज्यादा बिजी तो चल ही रहे हैं। एक तो सिंघम अगेन पे काम कर रहे हैं जिसके अंदर पुलिस ऑफिसर बनकर फिर दोबारा से आने वाले हैं, और साथ ही साथ शैतान पे काम कर ही रहे हैं। शैतान में अपनी फैमिली को एक तरीके से देखा जाए प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं। जादू टोना जबरदस्त तरीके से ब्लैक मैजिक दिखाया जाने वाला है, कठपुतलियों का खेल होने वाला है। जो कठपुतली अक्सर वो कहते हैं जादुई गुड़िया ही हमने देखी हैं, पिक्चरों में देखी हैं, कहानियों में पढ़ी है, नानी दादी ने कहानियों में बताई है, या आजकल हमने बहुत सी बंगाली मूवीज होगी वहां देखी है। बंगाल का मैजिक सब जानते ही हैं, उन कठपुतलियों का क्या कमाल होता है, क्या जादू होता है, हर कोई जानता है। ऐसा ही कुछ अब इस मूवी शैतान के अंदर दिखाया जाने वाला है। वैसे दोस्तों जो हमारे एक तरीके से देखा जाए अजय देवगन काफी एक डिफरेंट पर्सनैलिटी है। इनको चाहे एक्शन सीन्स दिए जाए उसे करने में ये माहिर रहते हैं, चाहे फिर इनको दे दिया जाए सीरियस सीन्स उसे करने में माहिर रहते हैं। फैमिली को प्रोटेक्ट करना हो तो ये आगे हैं, देश की रक्षा का सवाल होता है तो हमारे अजय देवगन आगे चले जाते हैं। तो इस टाइम तो वैसे भी अजय देवगन की डिमांड मार्केट में काफी ज्यादा चल ही रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें सूर्यवंशी की, तो सूर्यवंशी में अजय देवगन का कैमियो देखने को मिला था जिससे कंफर्म हो गया था कि भाई जब सिंघम अगेन आएगी तो उसके अंदर जरूर हमारे रणवीर सिंह और अक्षय कुमार का कैमियो देखने को मिलेगा। अब भैया सिंघम अगेन के अंदर अक्षय कुमार रणवीर सिंह के अलावा श्वेता तिवारी भी दिखने वाली है, जैकी श्रॉफ का नाम भी चल रहा है। साथ ही साथ बात करें अगर हम टाइगर है जो हमारे, यानी कि टाइगर श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ दिखने वाले हैं। तो मतलब जबरदस्त तरीके से मूवी हिट तो होगी, सुपर डुपर हिट होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मूवी की जो कहानी है स्टोरी है उसको लेकर काफी ज्यादा थ्योरीज चल रही हैं कि भगवान रामायण पे बेस होने वाली है ये भी कहानी, ये भी कहा जा रहा है। या फिर जैसा कि हमने देखा था कि सूर्यवंशी मूवी जिसने देखी है उसमें देखा था एंड में कि अभिमन्यु सिंह ने विलन का किरदार निभाया था, जैकी श्रॉफ के बेटे बने थे, आतंकवाद फैलाने आए थे भारत के अंदर, किस तरीके से बम लेके घुस जाते हैं पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर। तो ये भी बताया जा रहा है कि जैकी श्रॉफ अपने बेटे अर्जुन कपूर के थ्रू बदला लेने वाले हैं भारत से, मुंबई पुलिस से। तो तमाम तरह की थ्योरीज चल रही हैं, उसमें अजय देवगन का लीड हीरो वो वाला किरदार, वो शेर वाली दहाड़, आता माजी सटक दी, तो वो सब चीजें जब हमें देखने को मिलेगी तो वो एक प्रो लेवल पर देखने को मिलेगी।
और साथ ही साथ बात करें अगर उनकी धमाल मूवी की, तो धमाल आप लोग जानते ही हैं, धमाल के जितने भी सीक्वल बने हैं सारे के सारे जबरदस्त रहे हैं। तो अजय देवगन देखने वाले हैं धमाल 4 के अंदर। तो मतलब काफी सारी मूवीज जो है इनकी वो पाइपलाइन के अंदर चल रही है, जिन मूवीज के अंदर ये हमें आने वाले टाइम में देखने को मिलने वाले हैं। और अगर हम बात करें इनकी सन ऑफ सरदार 2 की, तो सन ऑफ सरदार के अंदर किस तरीके का इन्होंने काम करा था वो आप लोग जानते ही हैं। कॉमेडी की कॉमेडी दिखाई थी, एक्शन सीन्स की एक्शन सीन्स दिखाए थे। सिख बने थे एक सरदार, वो कहते हैं ना, एक सिख 1,25,000 पे भारी होता है, वो वाली सारी चीजें देखने को मिली थी। कॉमेडी देखने को मिली थी, सोनाक्षी सिन्हा की जबरदस्त एक्टिंग थी। फिर साथ में हमारे संजू बाबा थे ऑपोजिट के अंदर, पठान वाला कैमियो करा था सलमान खान ने। अब जो बात करें अगर हम इनकी सन ऑफ सरदार 2 की, तो सन ऑफ सरदार 2 के अंदर भी हमें वो चीजें देखने को मिलने वाली है, बट यहाँ पे चीजें थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। संजू बाबा जो है वो एक्चुअली के अंदर रिप्लेस हो गए हैं सनी देओल से। सनी देओल इस मूवी में दिखने वाले हैं, ये डन हो चुका है। बॉबी देओल को बताया जा रहा है कि बॉबी देओल का भी कैमियो होने वाला है मूवी में साथ ही साथ। और सलमान खान का जो एक तरीके से कैमियो देखने को मिला था एज अ पठान वाले किरदार के अंदर हमें, सन ऑफ सरदार के अंदर, तो यहाँ पे सलमान खान को लेकर अभी बज़ बना हुआ है, क्योंकि सलमान खान भी रिप्लेस हो सकते हैं किसी और कलाकार से। अब वो सलमान खान जो रिप्लेस होने वाले हैं वो बॉबी देओल से होने वाले हैं या फिर कोई और कलाकार है, इसके ऊपर बस है। बट इस मूवी को भी बताया जा रहा है कि फैमिलियर मूवी होने वाली है टोटली। एक्ट्रेस कौन होने वाली है इस चीज को लेकर अभी कंफर्मेशन, कोई क्लैरिटी सामने नहीं आई है। बट जो बात करें अगर हम अजय देवगन की मूवीज की, तो उसके अंदर ये मूवी भी टोटली तरीके से धमाल मचाने वाली है और टोटली तरीके से शुमार है एक तरीके से देखा जाए मूवीज की लिस्ट में। वैसे दोस्तों जो हमारे इस टाइम अजय देवगन साहब हैं, अजय देवगन साहब की मूवीज काफी टाइम से अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रही थी बॉलीवुड में, हर कोई जानता है। ताना जी ने भी काफी अच्छा काम नहीं करा, भोला से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, भोला काफी हद तक चली भी मूवी, बट जो एक्सपेक्टेशंस हाई रखी हुई थी भोला से वो कहीं ना कहीं हमें देखने को स्लो मिली, क्योंकि भोला इतना अच्छा कलेक्शन नहीं कर पाई। पर उसके बावजूद भी अब जो हमारे अजय देवगन की और मूवीज आने वाली है उनको लेकर एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि मूवीज और ज्यादा बड़े लेवल पर हो सकती हैं, बहुत कलेक्शन अच्छे कर सकती है, साथ ही साथ बॉलीवुड को एक नए आयाम पर पहुंचा सकती है। दोस्तों 2023 से हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से बॉलीवुड में एक नया तरीके का ट्रेंड चालू हुआ है, जो शाहरुख खान ने स्टार्ट करा था अपनी पठान से, और फिर वो जवान तक गया, डंकी तक गया, और जिसके दौरान गदर 2 भी रिलीज हुई वो भी सुपर हिट रही, जेलर रिलीज हुई वो भी ब्लॉकबस्टर रही, एनिमल मूवी रिलीज हुई वो भी ब्लॉकबस्टर रही। ये सारी मूवीज ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवीज बन के रह गई, जिसके बाद इतना तो डन हो गया है कि अब जब अजय देवगन कम बैक करेंगे इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि इनके लिए कम बैक शब्द यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, काफी टाइम से ये भी इंडस्ट्री से दूर चल रहे हैं, तो इनका कम बैक भी बहुत जबरदस्त होगा, बहुत बेहतरीन होगा। कुछ इनकी मूवीज है उनके सीक्वल्स की भी बातचीत चल रही है, कुछ लोगों का कहना ये भी है कि जो इनकी मूवीज रही हैं पुरानी उनके सीक्वल्स भी आने चाहिए, क्योंकि वो मूवीज बड़ी दमदार रही हैं और लोगों के दिलों पे एक तरीके से पूरी तरीके से काबिज हुई हैं, जिसमें इश्क का नाम भी लिया जाता है, जिसके अंदर हमारे आमिर खान साहब थे, जूही चावला थी, काजोल थी और अजय देवगन थे, जिनकी एक्टिंग बहुत जबरदस्त थी, बहुत बेहतरीन लेवल पर इन्होंने काम करा था। कॉमेडी सीन्स भी देखने को मिले थे, एक्शन सीन्स भी देखने को मिले थे और मूवी सुपर डुपर हिट भी रही थी। तो कहा जा रहा है कि इस मूवी का भी सीक्वल बनना चाहिए। वैसे दोस्तों आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हो पहले तो मुझे ये बताइए दृश्यम 3 को लेकर, क्योंकि दृश्यम 3 मूवी जो होगी इसमें बड़े लेवल पर कांड होने वाले हैं, तो उन कांडों के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ शैतान मूवी के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो इसी भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही साथ छोटा मुंह बड़ी बात को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, देखते रहिए हमारे चैनल को। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए। नमस्कार।